<laughs> तो और सारे कहा चल गए हैं ठीक है।, है मैं बता रहा हूँ कि उसको कैसे करना है जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है पी टी आर बाई हंड्रेड है जिसमें कहने मतलब पी हो गया प्रिंसिपल उसको सम भी बोल सकते हैं और टी हो गया टाइम आर हो गया रेट तो ये तो है फॉर्मूला लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला को कोई काम नहीं है क्योंकि फॉर्मूला जब लगाओगे इसमें तो आपको पी होना जैसे कि ये बोल रहा है अमाउंट्स टू तो यो ये जो है अमाउंट्स टू दे रहा है वो कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया एक मिनट मैं यहाँ पर बताऊंगा अमाउंट्स टू दे रहा है पेन आप अमाउंट टू दे रहा है तो अमाउंट दे रहा है करने मतलब आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे रहा है अमाउंट टू में तो हमको यहाँ पर वो दे रहा है फिर, फिर बात क्या दे रहा है एक टाइम दे रहा है टाइम दे, दे रहा है और दूसरा कुछ नहीं दे रहा है तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पास क्या होना चाहिए तीन ठो चीज़ें होना चाहिए फार्मूला लगाने के लिए जैसे कि आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई हंड्रेड तो इसमें से जो बोल रहा है कि निकालना निकालना है नहीं, निकालना है नहीं तो तीन ठो वेरिएबल आपके पास रहेगा तब ना एक ठो वेरिएबल को निकाल लोगे जैसे कि ये दो ठो वेरिएबल आपके पास रहेगा और ये ये वेरिएबल का वैल्यू आपके पास रहेगा तो ये जो थर्ड जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल लोगे लेकिन आपके पास सिर्फ क्या है ये टाइम है ये टाइम वाला है तो ये टाइम से तो आप सिर्फ नहीं निकाल सकते हैं ना तो इसीलिए ये फार्मूला यहाँ पर फॉर्मूला कोई काम नहीं करेगा जैसे मैट की मैंने पिछली भी क्लास में बताया था मैट के लिए आप फार्मूला पर या कंसेप्ट पर सिर्फ डिपेंडेंट पर तो नहीं होगा ये मैट नहीं बनने वाला है मैट के लिए आपको क्या करना है बेसिक आपको क्या चाहिए डिवाइड मल्टीप्लाई और थोड़ा सा टेबल का नॉलेज दही है तो होगा ही उसमें कोई डाउट करने वाला बात नहीं है तो इसके लिए आपको वही चाहिए और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग खुद ही चलेगा जैसे कि इसमें बोल रहा है कि अमाउंट टू इतना बोल रहा है ना इन थ्री इयर्स तो अमाउंट टू इतना थ्री इयर्स में बोल रहा है तो आपको करना क्या है सिर्फ कि इसमें से देखिए इसका जो जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन से जाना है डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन से आंसर नहीं निकालना है ऑप्शन से आंसर निकालना मैच करना है तो इसमें कितना कह रहा है जैसे कि तीन वर्ष में तीन टाइम थ्री थ्री ईयर हो गए हो जाएगा थ्री इयर्स तो अमाउंट कितना हो गया है अमाउंट करने का मतलब तीन वर्ष में आठ से पंद्रह हो गया है तो ये जो नीचे जो ऑप्शन में जो भी दिया है जैसे ए नंबर ऑप्शन देखेंगे बी नंबर ऑप्शन देखेंगे सी नंबर ऑप्शन देखेंगे एंड डी नंबर ऑप्शन देखेंगे कोई भी ऑप्शन देखेंगे तो ये सब ऑप्शन में जो दिया है वो सम को दिया है क्योंकि द सम इज पूछ रहा है कनेक् मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल हमें निकालना है तो ये सब जो ऑप्शन में जो भी दिया है ए नंबर में छः से पचास बी नंबर में छ से नब्बे सी नंबर में छः से अंठानबे डी नंबर में सात से जो भी ऑप्शन दिया है वो का मतलब सब प्रिंसिपल है सम है तो हमें जो ये अमाउंट का होता है फॉर्मूला ए इक्वल टू फार्मूला होता है P प्लस आई होता है फॉर्मूला जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा ये फॉर्मूला होता है तो हमें क्या करना है इसमें से ऑप्शन से जाइए ऑप्शन से जैसे कि आठ से पंद्रह है तो मानिए कि मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन लूंगा फर्स्ट वाला ऑप्शन लूंगा फर्स्ट वाला ऑप्शन कितना है छः से पचास है तो मैं इसमें से छ से पचास घटा दूंगा आठ से पंद्रह में से छः से पचास घटाने पर कितना होगा पांच का पांच हो गया और ग्यारह में से छः हो जाएगा और सात एक से पैंसठ आएगा कि नहीं आठ से पंद्रह में से घटाएंगे तो एक से पैंसठ आ जाएगा तो इसी तरह से अब जैसे कि इसे तीन से डिवाइड करूंगा एक से पैंसठ को क्योंकि तीन साल का इंटरेस्ट है तो तीन साल का इंटरेस्ट है तो एक से डिवाइड करूंगा तीन से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा जैसे कि एक से पैंसठ आया था तो एक से पैंसठ डिवाइडेड बाई थ्री करूंगा तो कितना आ रहा है तो नहीं मतलब एक से पैंसठ डिवाइडेड बाय थ्री करना है क्योंकि तीन वर्ष की इंटरेस्ट है नहीं है तो थ्री हाँ तो पचपन आ गया तब अच्छा चलो शिव बोल रहा है पचपन तो ठीक ही होगा पचपन आ गया तो पचपन आ गया तो पचपन को एक साल ये जो आठ से दे रहा है यहाँ पर देखो आठ से पचपन चौवन दे रहा है वो उसमें आठ से पंद्रह में आठ से बोले पचपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आठ से सत्तर हो जाएगा तो लेकिन ये आठ से ही है तो ऑप्शन नंबर एक गलती है क्योंकि एक वर्ष में तो सिर्फ पचपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये से आ जाना चाहिए तो नहीं आया क्योंकि ये चार वर्ष के इंटरेस्ट है अमाउंट है ये तीन वर्ष के अमाउंट है तो एक वर्ष में तो इतना ही इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना अमाउंट का फॉर्मूला कितना है पी प्लस आई है कि नहीं तो उतने हिसाब से तो नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा यहाँ पर ये देखना है तो ऑप्शन नंबर टू से जाएंगे हम लोग फिर ऑप्शन नंबर से टू से जाएंगे क्या करेंगे कि आठ से पंद्रह है नहीं आठ से पंद्रह में से आठ से पंद्रह में से हम लोग घटाएंगे कितना छ से नब्बे छः से नब्बे घटाओगे तो कितना होगा पांच हो जाएगा उसके बाद ग्यारह में दो हो जाएगा और उसके बाद एक होगा एक से पच्चीस हो जाएगा तो एक से पच्चीस को जब तीन से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा तीन से डिवाइड करोगे तो तुम करेंगे मतलब चार से बारह आ जाएगा और उसके बाद ये कितना था पाँच है और एक इकतालीस पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो अगर हम लोग फिर जोड़ेंगे आठ से पंद्रह में इकतालीस जोड़ेंगे आठ से पंद्रह में इकतालीस जोड़ेंगे तो आठ से पचपन चौवन से ज़्यादा ही चलाएगा आएगा कि नहीं आठ से चौवन से ज़्यादा चलाएगा तो ये भी नहीं हुआ ये भी ऑप्शन नहीं हुआ तो इसे भी कैंसिल करो या आप सेकेंड वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया तो थर्ड वाला से जाएंगे थर्ड वाला से चेक करेंगे तो थर्ड वाला को जब घटाओगे तो कितना एक से पच्चीस आया था ना एक से पच्चीस आ उसमें ये छः से नब्बे है ये आठ है तो आठ जोड़ दो तो कनेक मतलब एक से तैतीस नहीं एक से तैतीस एक से तैतीस तैतीस को डिवाइड करोगे तीन से तो कितना आ जाएगा तीन से डिवाइड करोगे तीन से तो तुम्हारे कनेक मतलब चार से बारह और उसके बाद चार चौवालीस आ जाएगा नहीं नहीं चौवालिस नहीं आएगा कम आएगा इसमें मिस्टेक हो रहा है कहीं क्योंकि चौवालिस आएगा तो कने का मतलब चौवालीस प्लस पचपन पचपन हो जाएगा ठीक ही है चौवालीस तो कहने का मतलब ये जो चौवन है एक सौ चौवन के लग पास में चल जा रहा है कि नहीं ऑप्शन नंबर सी सी से जाओगे तो पंद्रह और प्लस कितना हो जाएगा चौवालिस में पंद्रह जोड़ोगे तो कहने कनेक मतलब नौ और पाँच एक सौ उनसठ हो गया तो इसका लग पास चल गया कि नहीं छः से अंठानवे वाला का तो इसके भी लॉक पास तो गए लेकिन कनेक्ट मतलब एकूरेट नहीं हुआ तो इसे भी अभी यह हो सकता है क्योंकि लॉक पास में है लेकिन इसे भी अभी नहीं मानो ऑप्शन नंबर डी से जाओ ऑप्शन नंबर डी से जाओगे तो कितना आ जाएगा लेकिन इसे अभी इसे इसे रॉन्ग ना मानो क्योंकि यह हो सकता है इसमें अभी हमें क्योंकि नजदीक चल गया नियर टू चल गया है उसके बाद डी नंबर में जाएंगे हम लोग तो सात से है तो सात से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक से पंद्रह हो जाएगा कि नहीं तो एक से पंद्रह डिवाइडेड बाई तीन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा और उसके बाद नाइन तो टू हो जाएगा टू एट थर्टी एट तो थर्टी एट में फिफ्टीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी एट में फिफ्टीन जोड़ेंगे तो आठ आठ पैंत तेरह चार फोर्टी थ्री आठ पैंत तेरह फिफ्टी थ्री हो गया तो हाँ 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 तो ये जो कम है ना कम वाला नहीं होगा थोड़ा ज्यादा ही वाला हमको लेना है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी से क्योंकि ये तो कम हो जा रहा है फिफ्टी फोर से कम ही हो जा रहा है ऑप्शन डी तो ये वाला नहीं लेना है हमको थोड़ा फिफ्टी फोर से ज्यादा लेना है नहीं तो फिफ्टी फोर से उसके नियर में लेना है तो ये सी वाला ऑप्शन हो रहा है इसीलिए हमने सी से जाना है तो इसीलिए अगर फार्मूला लगाओगे तो नहीं होगा और इसी तरह से फॉर्मूला खोजते रह जाओगे बनेगा नहीं कोई तो इस तरह से ऑप्शन से चेक करना है उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर डी से टू से क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें देखेंगे तो उसी इ, इसमें भी हमको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड कह रहा है ना उसने कोई चीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि आप भी ट्राई कर सकते हो कोई चीज़ में उसने इन्वेस्ट किया है कितना कि तेरह हजार नौ इन्वेस्ट किया नहीं और जो पहले ए, ए, कोई एक में इन्वेस्ट कर दिया टोटल अमाउंट उसके पास इतना था ये प्रिंसिपल हो गया उसने एक में कुछ इन्वेस्ट कर दिया और दूसरे में भी कुछ इन्वेस्ट कर दिया और बोल रहा है कि जो पहले वाला में जो इन्वेस्ट किया चौदह परसेंट के रेट था उसमें सेकेंड वाला में ग्यारह परसेंट रेट था तो कनेक्ट मतलब दो साल बाद वो दोनों का जो इंटरेस्ट आया उसके पास पैंतीस से आठ रुपया आया थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट आया तो उसके बाद जो फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना इन्वेस्टमेंट था उसका फर्स्ट वाला जो इन्वेस्टमेंट था कितना इन्वेस्टमेंट था पूछ रहा है तो हमको जो सॉरी सेकेंड वाला में बी वाला में पूछ रहा है कितना इन्वेस्टमेंट था तो फर्स्ट हमें जो सेकेंड वाला लेना है उसे हमको कर लेना है सेकेंड वाला के लिए लेट कर लेना है कि एक इन्वेस्टमेंट किया था उसने अगर इन्वेस्टमेंट किया था उसने तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड वाला में अब निकालेंगे सेकेंड वाला का इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड वाला का तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा फार्मूलास प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट किया था उसके देखो इसमें जो सेकेंड का जो रेट है इलेवन है उसके बाद क्या है आ, उसका जो टाइम है टू है है ना और उसके बाद हंड्रेड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू यक्स बाई हंड्रेड हो गया कि नहीं ये सेकेंड वाला के लिए तो सेकेंड वाला में इतना आया तो फर्स्ट वाला का जो सेकेंड वाला में हम लोग मान लिए प्रिंसिपल का मतलब तो फर्स्ट वाला में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि उसमें से जितना बचेगा वो दूसरे पहले वाला में इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके लिए हमको क्या करना है तो इसके लिए हमें सेकेंड वाला में जाना है सेकेंड वाला के लिए कितना जैसे इसमें बारह ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड आया तो उसमें हमने सेकेंड वाला में जाएंगे ऑप्शन में निकालेंगे तो उसके लिए हमें कितना हो जाएगा अब कहने का मतलब थर्टीन थर्टीन हंड्रेड अब इतना माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा टोटल इंटू में करेंगे और इंटू हमारा न, कितना चौदह परसेंट है इसमें चौदह परसेंट आई इंटू दू वर्ष के टाइम है अब आई हंड्रेड कर देना है तो निकालोगे इसका जब सब मल्टीप्लाई करोगे और प्लस वो जो आया था टू एक्स ट्वेंटी टू एक्स बाई हंड्रेड कर दोगे और उसके बाद टोटल जो दे रहा है कितना इंटरेस्ट दे रहा है दो वर्ष में पैंतीस से आठ और इसे जो इक्वेशन है उसे सोल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा बहुत ईजी है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और घटाव का तो आ जाएगा तो इस तरह से आप बना सकते इसे जब पूरा बनाने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और इसी में पूरा टाइम चल जाएगा इसीलिए आप लोग यहाँ से अब कर लीजिएगा अगर नहीं आएगा या कोई डिफिकल्टीज दिक, होगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं हम वहाँ पर आपको सोल्यूशन बता देंगे या चाहे कुछ हेल्प कर देंगे हम इसी तरह से ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का और सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिया था वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका जो नहीं बना होगा तो यहाँ से बना सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए एक क्वेश्चन को सोल्व किया कि कभी कभी हमें ये जो जैसे क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर जो वन है जिस तरह से हमें यहाँ पर फार्मूला को कोई नहीं लगेगा कोई टेक्निक नहीं लगेगा हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा और ऑप्शन से आंसर निकालना पड़ेगा उसी तरह हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता है वहाँ पर फार्मूला से नहीं कभी कभी हमें ऑप्शन की द्वारा भी आंसर चेक करना चाहिए अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दूसरा एवरेज वाला और ये तो हो गया एवरेज वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है तो एवरेज वाला स्टार्ट कर रहे हैं होगा जैसे कि एवरेज जैसे कि एवरेज का देखिए एवरेज में भी आप जाएंगे ना तो सिर्फ का आपको फॉर्मूला देखेंगे तो आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा जैसे कि एवरेज का जैसे कि किसी भी चीज का आपको एवरेज निकालना है तो उसमें क्या होता है ये ये ज यही ये से डिनोट होता है और एवरेज वाला करने वाला ये एवरेज है ये थोड़ा पेन ये हाथ से लिख रहे हैं इसलिए नहीं, नहीं हो रहा रहेज इस और इसमें क्या होता है समेशन समेशन यक्स बाई एन कहने का मतलब जितना नंबर रहेगा ना उसे जोड़ देना है और एन से डिवाइड कर देने के बाद एवरेज आ जाता है उसका तो इसका हो गया एवरेज वाला का फॉर्मूला यही है लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा आ जाएगा जैसे कि आपको एक ये भी एक और छोटा सा एक और फार्मूला है उसे देख लो का मतलब कोई आदमी है और वो एक किलोमीटर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड से कहीं दौड़ के कहीं गया और फिर वो वाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो रिटर्न आ गया तो वो कितने एवरेज का स्पीड से वो गया दौड़कर और आया कहने का मतलब कि उसके एवरेज निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें आपको फार्मूला लगाना है टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई कर देना है तो आपको इसका एवरेज आ जाएगा बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेज आता जाएगा तो पहले की पहले कि हम मैं शुरू करता हूँ जैसे कि आपको कोई कहेगा क्वेश्चन में कि जे वन टू फाइव जैसे कि वन टू फाइव एक मिनट वन वन टू थ्री फोर फाइव का एवरेज निकालना है तो आपको क्या है फॉर्मूला में तो आपने जाना है कि जैसे मतलब एक को जोड़ेंगे टू को जोड़ेंगे थ्री फोर फाइव को सब को जोड़ेंगे और फाइव से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतना एवरेज हो जाएगा तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं एक बार तो कितना हो जाएगा तीन तीन छः छः चार दस और दस पाँच पंद्रह पंद्रह बाई पाँच हो जाएगा एवरेज कितना हो गया थ्री हो गया लेकिन कहने का मतलब इतना लंबा जाना नहीं पड़ेगा इतना लंबा आपको जाना नहीं है इतना लंबा आपको यहाँ पर जाना नहीं है क्योंकि ये ये छोटा क्लास वाला हो गया हमको यहाँ पर ट्रिक लगाना है कहने का मतलब सिर्फ हमें यहाँ पर फर्स्ट वाला को और जैसे कि सीरियल नेचुरल नंबर में है सीरियल ही है कोई इसमें गैपिंग नहीं है वो एक है दो है तीन है चार है पांच है तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है कि पहले फर्स्ट वाला को ऐड करना है जैसे कि वन को ऐड करना है और लास्ट वाला को ऐड करना है पांच को और डिवाइड कितना हो गया एक और एक नंबर ये हो गया, ये हो गया तो और डिवाइडेड कर देना है हमें तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा थ्री तो अगर हम पूरे को भी जोड़े रहे हैं तो सिक्स ही आंसर आया कि नहीं और सिर्फ इसको हमने जोड़ा और इसको जोड़ा तो कहने सिक्स ही आंसर आया So, हमें टाइम सेविंग के लिए फर्स्ट को और सेकेंड को जोड़ना है सॉरी लास्ट को तो अब जाकर हमारा आंसर आ जाएगा अब जैसे कि ये छोटा है तो आप पूरे को जोड़कर भी एक मिनट में आंसर निकाल सकते हैं लेकिन कोई कभी कभी बाड़ा आ जाएगा जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूं आपको कहेगा आपको फाइन द एवरेज बिटवीन वन टू हंड्रेड कहेगा हंड्रेड टू कहेगा तो वन टू हंड्रेड को एवरेज निकालना है तो आप क्या एक से तक पूरा नंबर जोड़ेंगे और फिर डिवाइडेड बाई हंड्रेड करेंगे तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर उसे नहीं करना है वो मेथड से नहीं जाना है मैंने अभी अभी बताया आपको कि पहला जो नंबर है उसे जोड़ लेना है हमें और जो लास्ट का नंबर है उसे जोड़ लेना है तो दोनों को हम चलिए जोड़ लेते हैं वन प्लस हंड्रेड कर दे रहे हैं उसके बाद एक ये एक ये नंबर हो गया एक और एक ये नंबर हो गया हंड्रेड एक प्लस एक दो हो गया तो इसीलिए हमने दो से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा तो 101 हंड्रेड वन हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय 101 हंड्रेड वन बाई टू का कि मतलब कितना हो गया 50 फिफ्टी पॉइंट फाइव हो कि नहीं तो इतना एवरेज हो जाएगा तो और इसी तरह से आप सभी का एवरेज निकाल सकते हैं जैसे कि आप कोई कहेगा आपको कि टू फाइंड द एवरेज बिटवीन थ्री हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड को ही कहा दिया एवरेज फाइंड करने के लिए आपको तो क्या इसका सभी नंबर को जोड़ना कोई जरूरी नहीं है आपको आपको सिर्फ क्या करना है ये जो थ्री हंड्रेड है इसे थ्री हंड्रेड ये सेवन हंड्रेड को हमें जोड़ लेना है और डिवाइडेड बाई क्या हो गया एक ये हो गया थ्री हंड्रेड एक ये हो गया सेवन uh, हंड्रेड तो टू नंबर हो गया तो टू और डिवाइडेड बाई टू कर हमें क्या कर देना है थाउजेंड बाई टू करने का मतलब फाइव हंड्रेड हो गया और इस तरह से आप सभी का आंसर निकाल लेंगे तो यह तो हो गया मतलब कि जो कोई नेचुरल नंबर आ रहा है उसके लिए हो गया और अगर कोई नंबर आ रहा है जैसे कि ऑड नंबर कहेगा फाइंड द एवरेज नंबर मतलब वन टू टेन बट इसमें कहेगा ऑड नंबर का जो एवरेज है उसे निकालना है हमें तो ऑड नंबर के एवरेज का मतलब ये तो वन तो खुद में एक ऑड है खुद में एक ऑड है तो इसे एक एक ले लेना है और ये नाइन जो है वो टेन जो है ऑड नहीं है तो टेन से पहले जो कौन सा ऑड आएगा नाइन आएगा तो उसे नाइन लिखना है और बाई डिवाइड बाई की एक ये नंबर हो गया एक ये नंबर हो गया दोनों पे एक एक प्लस जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा तो इसीलिए टेन बाई फाइव बोले टेन टेन बाई टू कनेक्ट मतलब फाइव इसका जो है एवरेज आएगा और इसी का अगर कहेगा जैसे कि यहाँ पर आपको ऑड ना देकर यहाँ पर कहे आपको कि इवेंट नंबर है जैसे कि यहाँ पर आपको कहे इवेंट नंबर को निकालना है इवेंट नंबर को निकालना है तो तब तो क्या करना है आपको यहाँ पर वन नहीं होगा क्योंकि वन और नंबर हो गया यहाँ पर वन नहीं होगा और यहाँ पर ये यह नाइन भी नहीं होगा तो यहाँ पर इवेंट वन के बाद इवेंट कौन वन आएगा टू आएगा तो यहाँ पर हमें टू लिखना है और इवेंट तो ये तो खुद इवेंट है तो इसके लिए टेन को टेन रखना है तो कितना मतलब मतलब हो गया टुवेल। टुवेल टेन प्लस टू। करने हो गया और बाई टू करने लग लग हो जाएगा इसका आएगा इस तरह से एवरेज आपको निकालना है बहुत ईजी है बहुत आसान है एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा इसी तरह से आपको इवेंट कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जैसे कि आएगा जैसे कि आप एक इसमें थोड़ा कंसिक्यूटिव वाला सब ही आ जाएगा कंसिक्यूटिव नंबर जिस तरह से कंसिक्यूटिव ऑर्ड नंबर कहेगा है कॉन्सिक्यूटिव नंबर को आपको फाइंड करने के कंसिक्यूटिव कहने का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर की पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर में क्या आता है वन टू थ्री फोर डट डट करने लगातार होगा इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा वन होगा तब टू होगा तब थ्री होगा तब फोर होगा तब फाइव होगा कोई गैपिंग नहीं तो और इसी तरह से जैसे कि ये नेचुरल नंबर हो गया और इसी में और नंबर निकालना है हमें कंसुक्यूटिव और नंबर तो इसमें एक आएगा तब इसके बाद तीन आएगा तब इसके बाद पाँच आएगा इसमें मतलब सब और है लेकिन लगातार है डट डट जाएगा अब इसी में कहेगा इवन नंबर निकालना है तो हमें टू आएगा उसके बाद फोर होगा उसके बाद सिक्स होगा उसके बाद एट होगा इस तरह से कंसिक्यूटिव और नंबर होता है तो अगर हमें कहे कि कंसुक्यूटिव और नंबर कंसिक्यूटिव और नंबर जैसे तरह के मैं बता रहा हूँ वन टू टेन को निकालना है नहीं वन टू टेन को निकालना है लेकिन इसमें आप कंडीशन क्या रख देगा कंसेक्यूटिव और नंबर को निकालना है कंसेक्यूटिव और नंबर को निकालना है तो इसमें हमें और नंबर पहले देखिए इसमें और नंबर क्या है कनेक्ट का मतलब एक एक है उसके बाद तीन है उसके बाद क्या है पाँच है उसके बाद क्या है सात है उसके बाद क्या है नौ है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें सबको जोड़ना नहीं है देखिए कि इधर दो ठो नंबर है इधर दो ठो नंबर है तो बीच का जो होगा वही हो जाएगा कहने का मतलब कीजे एवरेज हो जाएगा बीस ठो दोनों को बीस ठो का अगर अगर इधर भी दो ठो होता इधर भी दो ठो होता बीच में कहने का मतलब कीज दो हो जाता जैसे कि जिस तरह से एक और ले ले रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ पर हमको कर देना चाहिए टूवेल्व कंसेक्यूटिव और नंबर निकालना है लेकिन इसमें ट्वेल्व बना दे रहे हैं ट बना दे रहे हैं तो ट्वेल्व हो जाएगा जिस तरह से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक इलेवेन एक इलेवेन भी आ जाएगा एक इलेवेन भी एक मिनट हटा दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक इलेवेन भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर तो टू तो, टू तो हमने ले लिया और यहाँ पर भी हमने टू तो ले लिया तो बाकी रह गया कौन ये दो ठो तो दो में कौन सा किसे लिए हम कंसेक्यूटिव कंसिक्यूटिव तो इसके इसके लिए क्या करना है हमें फाइव प्लस सेवन और डिवाइडेड बाई टू करना है और जितना आएगा वही कंसिक मतलब एवरेज हो जाएगा बारह बाई दो कनेक मतलब कितना आया आया तो ये दोनों इसका जो टोटल होगा इस तरह के कंसिक्यूटिव और नंबर निकालने का उसका सिक्स आ जाएगा इस तरह से टेक्निक सब इसमें जितना टेक्निक आप आपको यूज करेंगे उतना ही हो जाएगा उसके बाद आएगा क्रिकेटर का फैमिली मेंबर का इस तरह से सबका आएगा और जो टीम वोम का वो सब आप कर लेंगे उसके लिए कोई बात नहीं है आप जितना भी आए कर लेंगे मजा से तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं मैं आपको इसके, इसके रिलेटेड जिस तरह से कहेगा आपको कि मैंने तो कॉन्सिक्यूरिटी वाला बता ही दिया आपको नहीं आप दूसरा क्या मैं बता दे आपको जैसे कि क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जैसे क्रिकेटर की बात करें चलिए कि क्रिकेट में अगर 50 ओवर की मैच हो रहा है 50 ओवर के क्रिकेट में मैच है टोटल और जो फर्स्ट टेन ओवर था फर्स्ट टेन ओवर था उसमें रन रेट था कितना फर्स्ट टेन ओवर में रन एट रन रेट था कहने का मतलब की जो फोर का रन रेट था फोर का रन रेट चल रहा था फर्स्ट टेन ओवर में फोर का रन रेट चल रहा था तो और कितना रन फोर का रन रेट चल रहा था और तो बाकी रह गया चालीस ओवर चालीस ओवर और चालीस ओवर में ये ये चालीस ओवर में उन लोग का मारना है टारगेट अचीव करना है कहने का मतलब चालीस ओवर में अब टारगेट कितना का अचीव करना है मानिए दू से पचास रन का टारगेट अचीव करना है तो कितना का रन रेट से जाना पड़ेगा उनके लिए तो इसमें क्या करना है आपको जैसे कि ये चालीस का रन रेट चल चार का रन रेट चल रहा था दस ओवर खेला तो इसमें आपको कितना रन दस ओवर में कितना रन मारा एवरेज है ये तो कहने का मतलब चार इंटू दस करेंगे तो आ जाएगा चालीस रन तो दस ओवर में मार दिया है तो इसके बाद ये जो टोटल टारगेट है दो पचास का है तो इसमें से चालीस रन को घटा देना है पहले माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा दो दस रन तो चालीस ओवर में हमें दो दस रन को अचीव करना है तो चालीस रन दो दस रन चालीस ओवर में अचीव करना है तो हमें इसमें क्या करे चालीस रन दो दस रन चालीस ओवर में रिचीव करना है तो डिवाइडेड बाई करना है चालीस कीजिए तो चालीस हो जाएगा तो जीरो जीरो तो हमारा कट जाएगा ना तो उसके बाद कितना होगा ये पाँच का बीस हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो जिस तरह से पाँच का बीस हो जाएगा चाहे रुकी ये डिवाइड वाला नहीं और दूसरा डिवाइड कर रहे हैं इक्कीस हो गया ना इक्कीस है इस तरह से डिवाइड कीजिए अच्छा रहेगा पॉइंट में भी आ जाएगा तो पाँच का बीस हो गया और बीस हो गया तो बाकी कितना रह गया एक रह गया तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे हम लोग पॉइंट पॉइंट रखेंगे तो जीरो आ जाएगा तो कहने को चार दुना आठ हो जाएगा तो उसके बाद डिवाइ कितना हो जाएगा यहाँ पर टू हो जाएगा और फिर जब हम करेंगे यहाँ पर एक जीरो रखेंगे तो पॉइंट तो कहने का मतलब हमको फाइव पॉइंट टू फाइव को, को रन रेट रखना पड़ेगा टारगेट को अचीव करने के लिए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको और और सब क्वेश्चन आप कर लेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा और जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और आने वाले या जो ये व्हाट्सअप है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं तो हम लोग पर्सनली आपको इन्फॉर्म कर देते हैं क्या ठीक है ना हेलो ठीक जो भी प्रॉब्लम होगा ना इसमें कुछ नई कंसेप्ट नई क्लियर हुआ है तो पूछ सकते हो उसमें बता सकते हैं न कि कोई या कोई क्वेश्चन तो है तो पूछ सकते हो इन नंबर का ठीक है जैसे कि इवेंट नंबर जैसे कि कहेगा आपको जैसे कि आप, आप ही नंबर बोलिए कोई किस किस नंबर को मैं निकालू आप बताइए कि जे इतने इतने वाले से बताएं आप अंडर टेन का चलिए ठीक है, है जैसे कि कहेगा आपको फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ इवेंट नंबर फ्रॉम वन टू टेन कहेगा तो वन टू टेन कहेगा इवेंट नंबर कह रहा है ना तो यहाँ पर क्या है पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा इवेन नंबर रहा है तो वन जो है क्या है वो ऑड नंबर है तो इससे हमें नहीं ले सकते हैं हम लोग तो इसीलिए हमें यहाँ पर टू रखना है और प्लस ये जो टेन है जो क्या है इवेन है देखिए हम सब आप अगर जोड़ने लगे इसमें इवेन क्या क्या है मैं एक बार ये बताकर बता दे रहा हूँ आपको ये क्या हो गया टून वन जो है इवेंट है नहीं सॉरी ऑड है तो हमें इवेंट को निकालना है इसीलिए हम टू वाला लेंगे क्योंकि टू भी वो वन टू टेन ही न पड़ेगा टेन ही के बीच में पड़ेगा तो इसीलिए टू लेंगे और यहाँ पर टेन लेंगे और डिवाइडेड बाई कितना नंबर है यहाँ पर एक टू है और एक टेन है कनेक्ट मतलब टू है तो डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो कितना ट्वेल्व हो गया तो टोटल ट्वेल्व बाई टू कनेक्ट मतलब सिक्स हो गया सिक्स आया ना अब देखो इसी को मैं अब डिटेल में पूरा बना रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं पूरा बना रहा हूँ कि जैसे कि इवेंट नंबर निकालना है हमको नहीं तो चलिए लिखते हैं इवेंट नंबर वन टू टेन में तो कितना होगा पहले वन टू टू तो में टू इवेंट नंबर होगा उसके बाद फोर इवेंट नंबर होगा उसके बाद सिक्स इवेंट नंबर होगा उसके बाद एट इवेंट नंबर होगा उसके बाद टेन इवेंट नंबर होगा कि नहीं तो जोड़ जोड़िए इसको जैसे कि अब टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस करेंगे ना हम तो बाई कितना होगा कितना नंबर है एक दो तीन चार पाँच है डिवाइडेड पाँच करना पड़ेगा ना पाँच, ए यार पाँच हो गया यार चलिए पाँच है तो कितना हो गया दस दस बीस दस तीस तीस डिवाइडेड बाय पाँच हो गया तीस डिवाइडेड पाँच करने का मतलब कितना हो गया छ हो गया हो गया कि नहीं आ शुरू वाला में भी हमने भी किया था जो सिक्स आया था कि नहीं एक बार यहीं पर बता दे क्या उसको फिर इसमें जगह नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था क्या यहाँ पर ऊपर देखो टू प्लस प्लस किया था टेन किया था टू प्लस टेन किया था अब डिवाइडेड बाई क्या किया था टू किया था तो कहने का मतलब दस दो बारह बाई टू कहने का मतलब छ आया था कि नहीं यहाँ पर छ है और देखो यहाँ भी छ है तो इसीलिए हमें ये इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाना है हमको सिर्फ यहाँ का जो फर्स्ट ऑप्शन वन के बाद इवेंट क्या है टू है तो उसे हमें टू को ले लेना है और ये टेन तो खुद एक इवेन है इसीलिए हमें उसे इवेन को रखना है वहां पर और इस तरह से बनाएंगे जैसे कि आप, आप बताइए आप ही कनेक मतलब कि वन टू टेन को हमको निकालना है एवरेज लेकिन इसमें क्या है ऑड है चलिए आप बताइए कितना आंसर होगा कैसे करेंगे आप बोलिए मैं लिख रहा हूं हाँ वन टू टेन को हमको लेना है इसमें तो देखिए ना यहाँ पर इसमें सोचने के क्या है इतना सोचेंगे तो हाथ से निकल जाएगा वो कहा वन क्या है ऑड है है कि नहीं तो हमको तो वन तो लिख ही लेंगे लेकिन ये जो टेन है जो ऑड नहीं है तो हम इसके टेन के भीतर उससे छोटा सा कौन सा ऑड है मतलब तो नाइन है तो हम लोग नाइन ले लेंगे अब प्लस तो बाई हो गया प्लस दोनों को कर दिए वन प्लस तो वन एक नंबर है एक नाइन एक नंबर है तो दो एक नंबर ना है तो दो को नंबर को हमने दोनों को एक एक प्लस एक दो जोड़ा दो हो गया तो दस हो गया दस बाय टू करेंगे तो कितना पांच हो जाएगा तो इसीलिए इसका जो एवरेज है वो पांच होगा हो गया, गया था और इसी तरह से एक बार आप एक बार और मैं क्लियर कर दे रहा हूं जिस तरह से आप चलिए वन टू हंड्रेड को हमें निकालना है लेकिन वन टू हंड्रेड लेकिन इवेन है निकालने का चलिए बताइए आप कितना होगा इसका इवेन है टू प्लस हंड्रेड बाई टू गुड तो हो जाएगा टू तो क्योंकि एक टू है एक हंड्रेड है

हो गया बस इसी तरह से क्वेश्चन आएगा लेकिन क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन थोड़ा कोई कोई क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज में रहेगा इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना प्रैक्टिस करें और उसके अनुसार से अपना